राजस्थान सरकार का बजट गुरुवार को विधानसभा में पेश हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2020 की घोषणा की। विधानसभा में पेश हुए बजट 2020 में बाड़मेर जिले को कई सौगातें मिली। निरोगी राजस्थान में सूचना, शिक्षा और प्रसार के लिए बाड़मेर को 1 करोड़ का प्रावधान मिला। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटी सामग्री की जाँच के लिए बाड़मेर में लैब की स्थापना की जाएगी। बाड़मेर में खजूर की खेती को भी अनुदान मिलेगा। सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को नो बैग दिवस रहेगा तथा रिफाइनरी को समय पर पूर्ण करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बजट 2020 में आम आदमी को सरकार से कितनी उम्मीदें थी और सरकार ने कितने वादे पूरे किए, इसको लेकर डीसीएन लाइव की टीम ने जानी आमजन की प्रतिक्रियाएं। आज का राजस्थान का बजट था, क्या कुछ खास रहा? मैं प्रेमलता बिरला बाड़मेर से। आज का बजट मुझे ठीक लगा, लेकिन कुछ इतना खास नहीं लगा। इसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। घरेलू गैस को भी इतना महंगा कर दिया है। ज्यादा उम्मीद थी महिलाओं की, आज इतनी वारदाताएं हो रही है कि उसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरा नाम सुधा डांगरा है और आज जो ये राजस्थान सरकार का अशोक जी गहलोत ने अपनो बजट नाम से जो बजट निकाला है, उसके लिए मैं यही कहूंगी कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए 100 करोड़ का बजट निकाला है, अच्छी बात है। कुछ बातें इस बजट की हमें अच्छी लगी और स्कूल बैग के लिए जो बच्चों को जो उन्होंने सैटरडे को नो बैग वाला रखा है, नो बैग मतलब सैटरडे को बच्चों को बैग नहीं लेके जाना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास के लिए, बच्चों के गेम्स के लिए वही समय रखा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास होगा। कुल मिला के बजट हमें अच्छा लगा, उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी पर तो भी ठीक है बजट। आज का बजट देखा, वैसे हर साल भी होता ही है कि गवर्नमेंट सुविधाएं तो बहुत निकालती है पर घरेलू गैस कभी महंगा हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो महंगाई तो वैसे ही बढ़ती है। बजट में कुछ फायदे हैं तो भी ये वो ऊँट के मुंह में जीरा जैसा महसूस होता है। आपके साथ बजट कैसा था? नहीं, कुल मिला के अच्छा है। महंगाई तो हर सरकार आती है उसमें बढ़ती है। मुख्यमंत्री जी की ओर से घोषणा की गई है कि शनिवार को विद्यालयों में नो बैग डे रहेगा, उस दिन पढ़ाई नहीं करवानी है, बच्चों को अन्य गतिविधियां करानी है। ये निर्णय बहुत ही अच्छा है और इस निर्णय से विद्यालयों के अंदर मनोरंजन पूर्ण शिक्षा का माहौल तैयार होगा। उसके अलावा एक और घोषणा की गई है कंप्यूटर शिक्षक कैडर का। तो जब से सरकारी विद्यालयों में पीयू व्यवस्था या ऑनलाइन कार्य शुरू हुआ है, तब से कंप्यूटर की और कंप्यूटर शिक्षकों की सख्त जरूरत थी। तो सरकार के इस निर्णय की हम सराहना करते हैं और कंप्यूटर से संबंधित जो भी कार्य है या ऑनलाइन जो भी कार्य है, उस कार्य को करने के अंदर प्रधानाचार्य को, शिक्षकों को और शिक्षा विभाग को बड़ी राहत मिलेगी इस निर्णय से।